इस वक्त मौजूद है हम 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस पर, और कल तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की थी और देर रात तक पूछताछ चली थी, और आज फिर से ईडी की एक टीम जो है वो लालू आवास पर पहुंची है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है किस तरीके से ईडी की टीम की जो गाड़ी है वो 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस पर लगी हुई है, और तमाम जितने भी लोग थे वो 10 नंबर के अंदर गए और 10 मिनट तक लगभग जो है वो 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस में मौजूद रहे तमाम लोग, और पूछताछ हुई। कहा यह जा रहा है कि कुछ कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, कल तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, परसों लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी, और ऐसे में कुछ कागजात जो है वही लेकर ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि ईडी के अधिकारी जब यहाँ पहुँचे तो अफरा तफरी का माहौल हो गया, कई नेता और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आनन फानन में पहुँचने शुरू हो गए, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, वे पहुँचे थे कुछ कागजात को लेकर, क्योंकि कल देर शाम तक तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी। हालांकि जब पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव निकले तो उनके पास भी एक जो है कहा जाए कि पीले रंग के एनवेलप थी जो कि उन्होंने गाड़ी में दिया, और उसके बाद आज फिर से ईडी जो है वो यहाँ पर पहुँची है। मिली जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि दो परिवार के दो सदस्यों को जिस प्रकार से पूछताछ किया गया है, और मिली जानकारी के मुताबिक अभी जो मामला चल रहा है उस मामले के मुताबिक जो बात हो रही है कि मीसा भारती, हेमा यादव और राबड़ी देवी का जो मामला है उस मामले को लेकर संभवतः जो है वो ईडी यहाँ पर पहुँची थी, ये कयास के आधार पर कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें है 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस की वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 मिनट ईडी यहां पर रही, 10 मिनट जाकर अधिकारी ने मुलाकात किया, बातचीत हुई, और बातचीत के बाद अधिकारी निकल गए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं है कि किस बात को लेकर यहां पर पहुंचे थे। पिछली बार जो जानकारी निकल कर सामने आई थी कि जो अधिकारी यहां पर पहुंचे थे वो पहुंचे थे सम्मन लेकर, आज कि जो जानकारी है वो ये कही जा रही है कि जो पूछताछ हुई है उसी मसले को लेकर यहाँ पर पहुँची थी ईडी की टीम। लेकिन और भी जो खबर होगा, जो हमारे सोर्सेस बताएंगे, वो हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।